तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। सबसे पहले आपको बजट की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। राजकोषीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान। आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। आईपीओ के जरिए एलआईसी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपए। 2019-20 में कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपए। अगले साल 22.24 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। अगले साल कुल खर्च 30 लाख करोड़ रुपए का है ऐसा अनुमान किया गया है। अगले साल सरकार 5.36 लाख करोड़ रुपए बाजार से उधार लेगी। सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। वी एस्टिमेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.8% in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-2021. We have estimated nominal growth of GDP for the year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. In the last few years, the government has taken concrete steps to bring our banking system to be robust. However, there is a need for greater private capital. Accordingly, it is proposed to sell the balance holding of Government of India's IDBI Bank to private retail and institutional investors through the stock exchange. There is a need, sir, to take further steps to bring in transparency and greater professionalism in public sector banks. The government will take appropriate measures towards this end. तो इस बजट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं और इस पर विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अर्थशास्त्री जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीण झा, वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा त्रिपाठी और प्रशांत टंडन। इसके अलावा हमारे संवाददाता जयपुर से रामस्वरूप लामरोड़ और मौजूद हैं एसओचएम के प्रतिनिधि के साथ हमारे संवाददाता इमरान। सबसे पहले चलते हैं इमरान के पास, जानते हैं कि एसओचएम की क्या प्रतिक्रिया मिली है इस पर। इमरान जी, बिल्कुल पंकज, हमारे साथ इस समय आशीष अग्रवाल मौजूद हैं जो कि स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं। एसोचम से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एसोचम की तरफ से हर बार कुछ सरकार को मशवरे दिए जाते हैं बजट से पहले। स्टार्टअप को लेकर जो बजट में घोषणाएँ हुई हैं, चूँकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अपने चरम पर है, तो ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन थी जिसको इस स्टार्टअप में शामिल किया जाता तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की भरपाई पूरी हो जाती, वो इस बजट में आपको देखने को नहीं मिली? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 24,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर, जबकि लाखों स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। उनको जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि उनको फंड नहीं मिल रहा है। वो लोग अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्टअप के अंदर स्टार्ट किया लेकिन वो अपना पैसा लगा दिया, अपने रिलेटिव्स का पैसा लगा दिया लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट को फंड का कुछ इसमें अनाउंसमेंट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था 4 साल पहले, वो अभी वही है, जबकि रिक्वायरमेंट कम से कम 25-30,000 करोड़ की है। तो एक सबसे बड़ा जो हमारा एक मशवरा था या सलाह थी गवर्नमेंट को कि स्टार्टअप्स के लिए फंड का जो एलोकेशन है वो बढ़ाना चाहिए, वो नहीं किया है, तो इससे थोड़ी निराशा लगी है स्टार्टअप इंडिया को। लेकिन नितिन गडकरी जो कि एमएसई सेक्टर के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट जो पेमेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो 40 दिन का तय समय किया जाए जिसमें वो पूरा हो जाए ताकि मार्केट घूम करे, जो एकदम स्टेबल हो चुका है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आए। तो क्या लगता है कि अब जो बजट में पेश किया गया है स्टार्टअप को लेकर, उससे क्या हो सकता है, मतलब जो उम्मीदें थी उसमें कुछ रफ्तार आएगी? देखिए, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए दो स्टेप जो लिए हैं बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, जो उनका पेन पॉइंट था स्टार्टअप्स का, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं अपने एसोचैम में, हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए। तो एक तो जो उन्होंने कहा है कि जो ईसॉप मिलते हैं, जो उनको स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके एम्प्लॉइज को, वो क्या होता था कि जब भी वो स्टॉक ऑप्शन मिलता था वो एक्सरसाइज करते थे,
तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती थी, जबकि वो कैश फ्लो नहीं होता था, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वो उधार लेके पैसा उनको देना पड़ता था। जो गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक आपका इसको रिलाइज कर सकते हैं, और टैक्स आपको जब भी लगेगा 5 साल के बाद, 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं उसमें कि आप कंपनी छोड़ेंगे जब, या 5 साल के बाद, या आपको क्या कहते हैं जब सेल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो एक स्टार्टअप के अंदर एम्प्लॉई जो हेजिटेट करते थे कि ईसॉप मिलता है लेकिन ईसॉप को उनको टैक्स पे करना है जबकि उनका पैसा नहीं है हाथ में, तो वो चीज़ एक एड्रेस की है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है इसमें कि आय दुगनी करने की बात की गई है, बहुत बड़ी योजना है ऐलान किया सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। हमें जानना चाहेंगे, बहुत सारे पैसे लेके लोगों ने स्टार्टअप में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लगाए थे, तो जो बजट अलॉट किया है उससे कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ बेहतर हो सकता है? आई थिंक आपने बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा है, और गवर्नमेंट का 16-पॉइंट एजेंडा है, जो 16-पॉइंट एजेंडा है एग्रीकल्चर के लिए, ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने करीब 3 लाख करोड़ रुपीज एग्रीकल्चर सेक्टर को किया है, और 15 लाख करोड़ का उसका कहा है कि 15 लाख करोड़ स्पेंड करेंगे या हम वो लोन देंगे एग्रीकल्चर को। तो जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर में आज की डेट में हम उसको बोलते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप। अभी हजारों स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि किस किस एरियाज में काम किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि सोलर के अंदर हम क्या कहते हैं सोलर पंप्स जो है अलाउ करेंगे, फार्मर्स को देंगे, 20 लाख सोलर पंप्स हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएँ बैरन लैंड के ऊपर जहाँ फार्मर्स को, ऐसे ही करीब 15-16 एजेंडा है जो रखे हैं गवर्नमेंट ने। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, मिलने लगी पंकज, जो मतलब उम्मीदें थी वो उम्मीदों पे उतना खरी नहीं उतरी सरकार जितना लोग चाह रहे थे। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी स्टार्टअप को लेके, स्टार्टअप एक बहुत बड़ी योजना थी भारत सरकार की, योजना अभी भी है, बहुत तारीफें की गई, लेकिन थोड़ी सी उम्मीदें और भी हैं लोगों की जो इस बजट में देखने को पूरी तरह से नहीं मिली। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जो एसोचैम है उसकी उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरा है। सीधे अपने स्टूडियो में मौजूद अतिथियों से बात करते हैं, सबसे पहले प्रोफेसर प्रवीण झा। प्रोफेसर, आप ये बताइए कि पहली नज़र में, अगर पहली प्रतिक्रिया आपको देनी हो इस बजट को लेकर, दूसरी बार आज आप ही के विश्वविद्यालय की एक छात्रा देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली सप्लाई साइड में जो कई चीज़ें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मसलन वो जो टैक्सों में जो परिवर्तन हुए, कमियां जो आई, एग्जेम्पशन जो दिए गए, लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कहते रहे हैं, और यहीं पे एक अपेक्षा थी JNU से ट्रेंड एक अर्थशास्त्री से कि डिमांड साइड को कैसे एड्रेस किया जाए। मसलन ग्रामीण भारत जो है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर आप देखें तो एक्चुअली उसमें थोड़ी सी गिरावट। प्रोफेसर साहब, एक स्मृति ईरानी का रिएक्शन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बहुत तेज रिएक्शन था, वो चली गई हैं, शायद दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे। आप बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए, माफ करिए। वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप ये देखें कि पिछले साल का अगर टोटल ऐड करके देखें, ग्राफ एंड रेडी किस्म का कैलकुलेशन जो है कि खेती और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 2.83 लाख करोड़ जो है वो राशि का आवंटन जो है वो कहा गया है, और पिछले में ये 2.84 लाख करोड़ था, तो उसमें थोड़ी या तो उसी लेवल पे है नॉमिनल टर्म्स में, रियल टर्म्स में वो घटा है। इसी तरीके से जो बहुत सारे जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स जो हैं, अगर उनको देखें और उसमें आवंटन की स्थिति देखें तो कहीं से स्थिति कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। तो एग्रीगेट पिक्चर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या है, तो मैं तो कहूँगा कि निराशाजनक बजट है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, वहाँ अगर आप देखें तो फिर वो रियल टर्म्स में जो है कहीं से कोई बढ़ोतरी नहीं है, और जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में भी कल थी और आज भी बजट में कहा गया, उसमें अगर देखेंगे तो बहुत चिंताजनक एक स्थिति उभरती जा रही है। तो मिला जुला के जो मेरी पहली राय जो है, और नंबरों को बहुत केयरफुली देखना पड़ता है, वो देखेंगे हम आज दिन भर में, लेकिन जो एक केंद्रीय मुद्दा के तौर पे जो मैं उठाना चाहूँगा वो ये कहूँगा कि बहुत ही एक सतही निराशाजनक किस्म का ये बजट है। सतही और निराशाजनक बजट आप कहेंगे, और इसी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। प्रोफेसर रवि, आप कैसे देखते हैं निराशाजनक बजट प्रोफेसर प्रवीण झा की ओर से हमें ये सुनने को मिला है, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है?
देखिए ये बजट इस समय एक बहुत गहरे आर्थिक संकट के संदर्भ में पेश हो रहा है। इसके जो आयाम है, चाहे रोजगार को हम लेकर चाहे या मांग की कमी को लेकर चलें, उत्पादन क्षमता, जो औद्योगिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस संकट का प्रतिबिंबन कहीं भी बजट में नहीं दिखाई देता है। कुल मिला के बजट ऐसा लगता है कि जो जिसको बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो है उसमें ऐसा लगता है कि ये बजट बनाया, कम से कम ये पेश इस तरह से करने की कोशिश की गई है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ सामान्य है और उन सामान्य परिस्थितियों में बजट को पेश किया जा रहा है। और एक कृषि पर उस पर जोर दिया गया है, या जो तीन आयाम जो शुरू में फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किए उनके उनके दायरे में ये बजट पेश किया गया है। लेकिन कहीं भी जो जो संकट इस समय है, और ये संकट आज का संकट नहीं, कई सालों से एक गहरा संकट अर्थव्यवस्था के सामने है, उसको ये बजट किस किस तरह से इसको उस पर ये केंद्रित है, किस तरह से उसको दूर करने की कोशिश करेगा, ये इससे कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है। यानी एक निराशा का ही भाव, खास तौर पर जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जो बजट के जानकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन हमारे साथ हैं। प्रशांत, आपकी नज़र में ये जो पूरा बजट है आज, अब शुरुआत तो इसी प्रतिक्रिया से ही करेंगे, क्या लगता है किस दिशा में जा रही सरकार? देखिए, एक तो 3.25 घंटे का बजट मैंने अपने लाइफ में पहली बार सुना है जीवन में, वो बजट भाषण जी, और पीछे उसके कितने अनाउंसमेंट हैं वो बजट पेपर्स को अध्ययन करने के बाद आएगा, लेकिन जो मोटा मोटा है, और जब हम बजट सुनने बैठे तो हमारे सामने तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी कि 2.5 दशकों से ज़्यादा रिकॉर्ड टूटा बेरोज़गारी का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैंक्स का NPA 7.5 लाख से ऊपर है, डिमांड लगभग ख़त्म सी डिमांड है, तो ये किसी भी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पावर की गिरावट में, बैंकिंग सेक्टर में, रियल इस्टेट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हर किसी भी सेक्टर में आप देखिएगा तो वो सेक्टर में गिरावट है। तो अब अगर इस बजट से उम्मीद ये थी कि शायद कोई ये ब्लूप्रिंट दिखाई देगा जो इस गिरावट को अरेस्ट करेगा और एक नया रोड मैप जो है वो दिखाई देगा, तो वो 2.5 घंटे में वो रोड मैप नहीं दिखा मुझे। बाकी देखिए, बजट है तो उसमें कुछ माइक्रो अनाउंसमेंट होंगे, टैक्सेशन के स्लैब्स ऊपर नीचे होंगे, वो खबरों की हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मेरा मुख्य जो दिलचस्पी थी बजट को देखने की वो ये थी कि जो मैक्रो अनाउंसमेंट हैं उन पॉलिसीज़ में आवंटन, यानी पैसा कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और जो देख रहा हूँ कि वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में PPP के मॉडल पे ज़्यादा निर्भरता है, और PPP के मॉडल पे निर्भरता वो कैसे पूरी होगी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिरा हुआ है, और पिछले साल से और ये साल के अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की गिरावट को देखेंगे, साल दर साल गिरावट को, तो 65% की गिरावट है, जो बहुत गैर मामूली गिरावट है। तो वो PPP मॉडल में पैसा आएगा भी कहाँ से? यानी असली संकट यही है कि पैसा आएगा कहाँ से, और जो इस समय आर्थिक संकट में देश नजर आता है, कम से कम अर्थशास्त्रियों को तो नजर आता है, सरकार को आए ना आए, उससे देश निकलेगा कैसे? बजट इसकी ओर कोई इशारा नहीं कर पा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि जयपुर में हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड़ के साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, आप बात करें उनसे, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले 2 उद्योगपतियों से बात की थी और 2 और जो अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मेरे सामने आ रही है नीतू झंवर, जो मेडिकल इंडस्ट्री से हैं। नीतू जी, आप बताइए। सीनू झंवर जी, सीनू जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे अनऑफिशियल बात हुई, आपने कहा कि आप इसे 10 में से 4 नंबर देंगे, यानी कि आशा अनुरूप नहीं, ये कहेंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक 10 में से 5 नंबर होता है कि लगता है कि शायद सो बजट है, बट मे बी देर आर चांसेस ऑफ इट बिकमिंग बेटर। लेकिन ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स वर पिक्ड अप कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिक्विडिटी क्रंच है, ऑटोमेशन है, हेल्थ केयर नीड्स हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा कितना नहीं होगा वो बातचीत से ज़रा सा भी
झलक करके नहीं आया, बिकॉज हम जो भी बातें कर रहे हैं हम एक स्टेप पीछे मुड़ करके पॉलिसी अंडरस्टैंड या उसका इम्प्लीकेशन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एन इंक्रीमेंटल थिंग. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा एस्पिरेशनल इंडिया. एस्पिरेशनल इंडिया में हमने तीन चीज़ें ली, एक हेल्थ केयर ली, एक एग्रीकल्चर ली और एक और कोई चीज़ ली. एजुकेशन, सो एग्रीकल्चर पार्ट वॉज गुड, आई शुड से सो, बिकॉज चार नंबर देने का भी कोई तो कारण होना चाहिए. बट वेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हियर, वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर कॉलेजेस. बट डू वी रियली नीड मोर कॉलेजेस? डू वी नीड बेटर एजुकेशनल करिकुलम? दैट्स नंबर वन. फिर हमने कहा कि हम अफ्रीकन एंड एशियन स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर के आएंगे, बट वॉट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज. What is the plan to stop that from happening, contain them here? Because in any case, when you spend that money in another country, you are taking a part of your economy to that country because you're consuming the money there. So what about these fundamental questions? Then healthcare ki baat kare to aspirational India mein hum baat kare hain TB hatao. After all these years of being a mature country, mature population, are we still talking about removing TB as an aspirational India component? We are not talking about mental health. We are not talking about the top five healthcare problems which are riddling the country, which are riddling the world. What is going to happen into the future? There is no way to address those things. Lastly, hum baat kar rahe hain ki we are going to create more hospitals from the public money. Why are we not talking about digitalization? Why are we not talking about a health card? Very much, jis tarike se Aadhaar card bana hai, hum ek health card ki baat kyun nahi kar rahe? Jo actually mein patient ki trajectory ko uske gaon se lekar ke, aur jo teaching hospital hai, jisme private players bhi aate hain, government bhi aati hai, usko track karta hai, aur hamare paas single resource se ek pure nation ki health care registry taiyar ho sakti hai. So we are not talking about these kind of steps. We are thinking in a very linear fashion. We are simply saying, pichle budget mein humne ye spend kiya, ab hum ye karenge. We are trying to follow what is happening in the world without understanding what we really need to do at this time in the next one year for our country. Matlab ye sapne dikhane jaisa hai, jaisa aapne kaha abhi pichli baar humne ye kiya, ab hum ye karenge, ye sapna dikhane wali baat hai fir? Sapne dikhane se bhi zyada, kuch had tak, cheezon ko bahut hi short term tarike se address karne wali baat main kahungi. आप मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, तो जैसे कि टैक्स लेव में जो बदलाव किया गया है, दो स्कीम अलग अलग बनाई, तो क्या मानेंगे कि मेडिकल बीमा वालों को पहले छूट दी जाती थी, वो इस स्लेब में, नए स्लेब में जो है खत्म कर दी गई है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप किस चीज़ का इंसेंटिव दे रहे हैं और किस चीज़ का इंसेंटिव आप रोक रहे हैं. पूरे दुनिया में बात हो रही है कि आप अगर आपको हेल्थ केयर बेनिफिट देना है तो आप इंश्योरेंस का कवरेज दीजिए. लोगों को मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई स्वास्थ्य की तो मुझे, मेरे पास फंड्स नहीं होंगे. यहाँ पे जो अतिथि हैं स्टूडियो में उनसे अब चर्चा आगे बढ़ाना चाहिए. एक फॉल्स सेंस ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट में ये सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्सनल टैक्स में ये. तो अभी हमने देखा कि एसोचैम और सीआईआई दोनों की ओर से एक जो प्रतिक्रिया है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है, यानी कुल मिलाकर इस बजट से बहुत उत्साह पैदा नहीं हुआ है. प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी हमारे साथ है. पूर्णिमा जी, कॉपी मुश्किल है या आसान है, कैसे लिखेंगी अब इसको? नहीं, ये कॉपी उसी हिसाब से है जैसे कि सरकार की फंक्शनिंग हमने पिछले सालों में देखी है. बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द, लच्छेदार भाषण, लेकिन सब्सटेंस आप ढूंढने बैठिए तो शायद आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर क्या निकला. हमने जब सुनना शुरू किया निर्मला सीतारामन जी को तो ईज ऑफ लिविंग, एस्पिरेशनल इंडिया, तो उससे बड़ी उम्मीदें बंध गई. लेकिन वो तीन घंटे के बाद हम बहुत मुश्किल से ढूंढने में अभी भी लगे हुए हैं कि वो ईज ऑफ लिविंग जो प्रॉमिस उन्होंने किया वो कहाँ दिखाई दे रहा है. इंस्टेड ऑफ ईज ऑफ लिविंग हमें तो लग रहा है कि लिविंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है कॉमन मैन के लिए. एस्पिरेशनल इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि एस्पिरेशनल इंडिया जो हमारा यूथ है उसके लिए आगे कोई प्रॉमिस दिखाई दे, जो हमें खास दिखाई नहीं देती है. कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो अभी हमने कल के इकोनॉमिक सर्वे में देखा है कि 1,38,000 करोड़ का
डिफॉल्टर्स की वजह से देश को घाटा हुआ है, ये हमने सर्वे में देखा, जो कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन और सारे सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग को मिला लें तो उसके बराबर होता है। अब उस समस्या, ये एक बड़ी विकराल समस्या है, उससे सरकार कैसे निपटेगी? जब वो बैंकिंग सेक्टर पे बात कर रही थी तो हमने सोचा शायद कुछ आएगा, लेकिन उसमें उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दूसरा, हम कह रहे हैं पीपीपी मॉडल पे एफडीआई इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप सारा कुछ तो बेचने की बात कर रहे हैं, बेच देंगे आप तो। पूर्णिमा जी, आपको जरा सा हम रोकेंगे। मनीष तिवारी, कांग्रेस के सांसद, कुछ बोल रहे। फंडामेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नॉट बीन एबल टू डायग्नोज दैट द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज मोर पॉलिटिकल इन नेचर. Social disharmony and economic development cannot go hand in hand. So therefore, incentives which were given earlier to the corporate sector have not yielded in the economy coming to a recovery path. And we have our apprehensions. Till the time that fundamental equation is not set in order, the economy will not revive. तो मनीष तिवारी की भी यही प्रतिक्रिया है कि इस बजट से जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति दुरुस्त नहीं होगी। हमारे साथ जुड़े हैं सीपीएम के नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनन मुल्ला। मुल्ला जी, आप ये बताएं कि क्या लगता है, किसानों के लिए कुछ वादे किए गए हैं ऐसा लगता है, और पुराना वादा तो यही है कि उनकी आय दोगुनी करेंगे। अभी तक आपने बजट को जितना समझा है, हालांकि अभी विस्तार से शायद समझने का वक्त नहीं मिला होगा, इसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरा पहले प्रतिक्रिया यही है कि ये बजट में ये सपना बेचने का एक बजट है, किसान के लिए सपना बेचने का कोशिश किया गया है। सब लोग बोल रहे हैं किसान के लिए एक अलग एस्पिरेशनल हिस्सा में रखा गया है, मगर पिछले बार लास्ट बजट में किसान एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मिला के 1,91,000 का प्रावधान था, और इस बार उसको घटा के 1,83,000 हो गया, यहाँ 9,000 करोड़ कम हो गया। जब बजट का एलोकेशन जब कम हो गया और उसके साथ सिर्फ 16 स्लोगन ऐलान करना, इसमें क्या फ़ायदा होगा मेरे मालूम नहीं है। हम लोग उम्मीद किया था कि किसान के लिए ये जो फसल का दाम है उसको प्रोक्योरमेंट के लिए कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल रहेगा, लोन वेवर के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल रहेगा। उसके बाद घटाया सब्सिडी जो बढ़ाने का, उसका इनपुट कॉस्ट के लिए कुछ सुविधा किसान के लिए उपलब्ध किया जाएगा, ये सब किसान का उम्मीद था, मगर पिछले बार किया हुआ एक धोखा हो गया। किसान जो है पीएम किसान का आप देखिए, पहला हमारा देश में 14,50,00,000 जो किसान है उसके 26.6% का जो फार्मर्स है उसके लिए कुछ एक इंस्टॉलमेंट मिला है, 44% का दूसरे इंस्टॉलमेंट मिला है, और पहले 52% का 1% इंस्टॉलमेंट मिला था। तो जितना दिन गया इंस्टॉलमेंट घटते गया, ये तो लोग को मिलता नहीं कहाँ। एक तो 25% को कवर करने का कोशिश किया, मगर उससे भी कम लोग को मिल रहा है। तो ये तो जो घोषणा होता है, ये ऐलान है सिर्फ, ये सिर्फ धोखाबाजी लगता है हमारा, किसान के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी बजट वही, जैसा आपने कहा कि ये सपनों का पूरा, सपने बेचने की एक कोशिश है। प्रोफेसर अग्रवाल, अभी आएंगे आपके पास हनन मुल्ला जी, आपके पास हम दोबारा आएंगे। कुछ नहीं है जी, हनन मुल्ला जी आपके पास दोबारा आएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब तक जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सीआईआई या एसोचैम या आपने देखा किसानों के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, पत्रकार, सबका ये कहना है कि ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या? जी आपसे प्रोफेसर अग्रवाल। मेरे विचार से यह बजट एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। इस बजट से देश को आगे ले जाने के लिए, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए सक्षम होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। इसमें फोकस किया गया है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को। अगर हम इस बजट को ठीक प्रकार से देखें तो हमें यह पता लगता है कि जो फोकस है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे है, डबलिंग ऑफ फार्म इनकम है, इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर 99,300 करोड़ प्लस 3,000 करोड़ रुपये
स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, नए डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, PPP मॉडल में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, इसके साथ साथ सोशल सेक्टर को अच्छा सा हेल्थ में भी 69,000 करोड़ रुपीस के करीब दिया जा रहा है, इसे साफ साफ लगता है। इसी तरीके से अगर टैक्स प्रपोजल्स को भी हम देखें तो हमें साफ पता लगता है कि कोशिश ये है कि किस तरीके से लोग आम आदमी को, इंडिविजुअल्स को, सैलरीड क्लास को, उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके ताकि उसको रिलीफ मिले और इसके साथ साथ कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो जरूरी बात है इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, और इस बजट में ये कोशिश की गई है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.6% थी पिछले साल, इस साल इसको बढ़ा करके 5 से 6% तक लाने का प्रयत्न किया गया है। यानी एजुकेशन के अंदर, प्रोफेसर अग्रवाल, आप एजुकेशन में FDI को इन्वेस्ट करना, PPP FDI जो तमाम करेंगे और 6 साल से जो सरकार कह रही है, आपको उस पर यकीन है कि वैसा ही वर्जल देगी? अभी आपसे और बात करेंगे हम। हनान मुल्ला जी, आपको शायद जाना भी है, आप अभी आपने सुना होगा कि प्रोफेसर जे डी अग्रवाल वो कह रहे हैं कि सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है और कंजम्पशन पर बड़ा जोर है, यकीन कर पा रहे हैं आप किसानों की हालत को देखते हुए? देखते नहीं बिल्कुल, क्योंकि किसान का इनकम लगातार घटते रहा है, इसके वजह से किसान का खुदकुशी घटा नहीं है, और मनरेगा का बजट भी ऐसा ज़्यादा नहीं है कि ग्रामीण जो खेत मजदूर गरीब किसान है उसको पास कुछ पैसा जाएगा काम के जरिए, ऐसा कोई उम्मीद इस बजट में दिखाई नहीं दिया है। तो ग्रामीण पॉपुलेशन मेजोरिटी है, जो ग्रामीण पॉपुलेशन किसान, गरीब किसान, माजोली किसान, बटाईदार किसान या खेत मजदूर, ये जो मेजोरिटी ग्रामीण पॉपुलेशन है उसका जो परचेजिंग पावर बढ़ने का कोई संभावना ही इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको माला है अभी जो हमारा बिस्किट बाजार में बिक नहीं रहा है क्योंकि गरीब लोग के पास पैसा नहीं है, वो गरीब मेजोरिटी लोग के पास पैसा देने के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। कुछ अमीरों को जो पिछले बार छूट दिया गया था 2 लाख करोड़ का वो NPA किया, 1,50,000 करोड़ का जो उसका टैक्स फ्री कर दिया, उसको कोई प्रतिफलन तो इकोनॉमी में नहीं हुआ, फिर दोबारा उसको सुविधा देने का बात जो किया जा रहा है, ये क्रॉनी कैपिटल को बढ़ावा देने के अलावा वो उसको आम लोग के ज़िंदगी के लिए ये बजट कोई पॉजिटिव लक्ष्मण नहीं है। इसमें बजट कम है, भाषण ज्यादा है, ये हमारा प्रतिक्रिया। बजट कम है, भाषण ज्यादा है, और कंजम्पशन की जो बात थी उसके लिए पैसे की जरूरत है। प्रोफेसर झा, एक काउंटर पॉइंट आया है आपके सामने और कहा जा रहा है कि सरकार की जितने भी गागी गए हैं उस पर हमें भरोसा कर लेना चाहिए। देखिए, अब जो बहुत मूलभूत समस्याएं, जैसे कंजम्पशन की बात हनन मौला साहब कर रहे थे, 11, 12, 17, 18 क्या हमारे आंकड़े बताते हैं? हमारे ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन था वो 10% गिरा रियल टर्म्स में। आज़ादी के बाद ऐसी दुर्गति इस देश की कभी नहीं हुई है। जहाँ तक निवेश की बात है, हम देख ही रहे हैं कि निवेश किस तरीके से उल्टी दिशा में भागा जा रहा है। तो जितनी सारी मूलभूत चीज़ें हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जिनको आप संग्रहित करके कहेंगे कि डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, एक चीज आप मुझे इस बजट में से निकाल के दिखा दीजिए, एक कॉन्क्रीट प्रपोजल एलोकेशन को लेके या पॉलिसी इंटरवेंशन को लेके। पॉलिसी इंटरवेंशन से एलोकेशन में जो है संबंध होता नहीं है नॉर्मली, कहने को आप कुछ भी सुना देते हैं, उसके बाद आगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, एक भी चीज मुझे कोई अर्थशास्त्री बता दें तो मैं उनका सम्मान करूंगा। क्यों, पिछली बार 100 स्मार्ट सिटी बनी थी, अब 5 और बन रही है? नहीं, वो 100 कहाँ है? आप पहले हमने अदृश्य भारत, मैं तो अदृश्य भारत, विकास का अदृश्य भारत। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इनको लेके जो कंक्रीट जो चीजें होनी चाहिए, जो प्रपोजल्स होने चाहिए, वो उसकी थोड़ी चर्चा अगर हम करें तो स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे रूरल इंडिया के लिए मैंने आपको कहा, अगर सबको आप जोड़ दें ब्रॉडली, जितने सारी चीजें एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड सारा सारा कुछ है, उसमें जो है नॉमिनल टर्म्स में घटौती हुई, रियल टर्म्स में तो और होगा। शिक्षा को लेकर जिस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, इस देश के लिए इतना घातक है ये, आप पता नहीं कहां से ये ऑनलाइन एजुकेशन से कहां ले जाएंगे आप इस देश को। जो हमारे रियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, वहां क्या एलोकेशंस हो रहा है, तो इन चीजों को देखना बड़ा आवश्यक। मेरा ख्याल है कि इस पे अभी हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन जरा पहले
एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं, जो अभी दर्शक जुड़े हैं उन्हें जानना जरूरी है कि आम बजट में आखिर हुआ क्या है। बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब का ऐलान, 5 से 15 लाख तक की आमदनी के लिए इनकम टैक्स की दर घटी, लेकिन 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स बरकरार। नए स्लैब का फायदा लेने के लिए फिलहाल मिलने वाली सारी टैक्स छूट छोड़नी होगी, लेकिन पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प भी बना रहेगा, टैक्स पेयर अपनी मर्जी से चुन सकेंगे विकल्प। डायरेक्ट टैक्स विवाद के निपटारे के लिए नई स्कीम, 31 मार्च तक बकाया टैक्स चुकाने पर नहीं देना होगा ब्याज और जुर्माना, आधार के जरिए फौरन ऑनलाइन मिलेगा पैन कार्ड। और बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूकी सरकार, इस साल 3.3% की जगह 3.8% रहेगा घाटा, वित्त मंत्री के भाषण के दौरान तेजी से गिरा शेयर बाजार। और राहुल गांधी ने बजट को बताया सरकार की तरह खोखला, कहा बजट में बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं है। तो मैं हूं पंकज श्रीवास्तव, चर्चा चल रही है स्वराज एक्सप्रेस में बजट पर विश्लेषण और इसकी जो तमाम जो इसकी नई नई जो इसकी बातें हैं वो क्या हैं, इससे क्या फर्क आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, जैसा हमने पहले भी बताया इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर श्रीवास्तव, ये अभी जो बात आई है कि डिमांड साइड पर कुछ नहीं है, और अगर डिमांड साइड पर कुछ नहीं है तो फिर कैसे आप कंजम्पशन की बात करते हैं, और ये जो आर्थिक चुनौतियाँ इस देश के सामने खड़ी हुई हैं बहुत विकराल हैं, शायद बहुत दिन बाद इस तरह का संकट पैदा हुआ है, उसमें अब क्या दिखाई पड़ रहा है भविष्य का आपको रास्ता? जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने पहले कहा कि जो आर्थिक चुनौतियां इस समय हैं उनको बजट में किस तरीके से बजट उनसे निपटेगा, इसका कोई भी हमारे सामने कोई तस्वीर इस बजट ने पेश नहीं की है। जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, डिमांड का सवाल है, डिमांड एक सबसे बड़ी समस्या थी, उससे निपटने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो मामूली रियायतें दी गई हैं टैक्स रेट्स में, इसके माध्यम से कुछ होगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि वित्त मंत्री ने ये कहा है कि जो 100 एग्जेम्पशंस बजट में अब तक दिए गए हैं उनमें से 70 हटा लिए गए हैं, 70 हटाने के बाद जो 30 एग्जेम्पशंस बचे हैं उनमें से कुछ एग्जेम्पशन जो मिडिल क्लास लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो उनको जो रियायती दरें हैं इनकम टैक्स में, उन लोगों को जो 5 लाख से 15 लाख की आय के बीच में है उनको वो रियायती दरें मिलेंगी। तो अभी तो आकलन करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आकलन करना पड़ेगा कि रियायत लेने के बाद उसको कोई भी फ़ायदा होता है कि नहीं। और जहाँ तक नॉन टैक्स पेयर्स का सवाल है, जो बहुसंख्या में है और निचले तबकों में हैं, उनके ओर से उन्हीं का मांग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर जो भी उनकी आमदनी बढ़ती है वो करीब करीब उस आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। उनकी मांग को बढ़ाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो, इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप ध्यान दें कि इस बजट की स्पीच में इतनी लंबी स्पीच थी, लेकिन कहीं भी जो आमतौर से कार्यक्रम हैं जो गरीब लोगों की मांग को बढ़ा सकते हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर वित्त मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो कुल मिला के ये जो एक ढर्रा रहा है पिछले कुछ महीनों से पूर्ति पक्ष पर ध्यान देने का, वही पूर्ति पक्ष पर ध्यान देने की प्रक्रिया इस बजट में भी दिखाई दी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो आर्थिक संकट है उसका चरित्र क्या है और उसको कैसे निपटेगी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में कोई भी तस्वीर इस बजट में पेश नहीं की गई। बिल्कुल, यानी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। हन्नान मुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हन्नान मुल्ला जी, आप लोग खासतौर पर अखिल भारतीय किसान सभा लंबे समय से किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करती रही है, पिछले 2 सालों में विशेष तौर पर किसानों के बड़े बड़े आंदोलन देश ने देखे हैं, लंबे लंबे मार्च देखे हैं। क्या जो पूरा वादा था खासतौर पर किसानों की आय को दोगुना करना और लागत का जो 1.5 गुना दिलाने की बात थी, स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश थी जिसको सरकार कहती है उसने मान लिया है, इस बजट में आपको उसकी कोई झलक नज़र आ रही है? क्या उसमें किसी तरह की उम्मीद आप देख रहे हैं? कोई झलक तो देख नहीं रहा है, क्योंकि उसका किसान का इनकम 2 गुना
करना है 22 तक, तो उसको हमारा उत्पादन का जो विकास दौर है वो 14% साल में होना चाहिए। 14% ग्रोथ होगा तभी 22 में जाके इनकम किसान का डबल हो सकता, मगर पिछले साल 0.2% विकास दर था किसान का। पिछले साल भी और थोड़ा ज़्यादा था 5% से ऊपर, मगर लास्ट ईयर में घट के 0.2% किसान का जो विकास दर है, तो 2.0 विकास दर करके वो कैसे डबल करेगा। डबल करने के लिए सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं 14% विकास दर होना चाहिए, तो 14% कहाँ है और कहाँ 0% है, इसमें डबल होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये सिर्फ झूठे वादा है। जैसा दाम डेढ़ गुना करने का वादा किया था पूरा नहीं किया, लोन एवर का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, बीमा तो एक सरासर एक झूठ निकला। बीरा जो किसान जितना पैसा उसका भरा है प्रीमियम के लिखे उसका 20-25% उसको क्षतिपूर्ति के लिए मिला नहीं, और 70% उसका मुनाफा हो गया अच्छे प्राइवेट कंपनी का। अभी इस बजट में फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी और प्राइवेट करने का और लाइफ इंश्योरेंस को भी प्राइवेट करने का ऐलान कर दिया। तो हम जब चाहते हैं पूरा बीमा फसल बीमा गवर्नमेंट इंश्योरेंस से होना चाहिए, ये उल्टा प्रस्ताव दिया है बजट में। इसके साथ टैक्स कॉन्सेशन जो है वो दे रहा है अमीरों का, उसका कोई फायदा नहीं मिला, मगर किसान के लिए टैक्स कंसेशन देने के लिए तैयारी नहीं है। इसके साथ जो 7000 वो बोला वो फार्म कंपनी बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन फार्म ऑर्गेनाइजिंग कंपनी बनाएंगे, वो पिछले बार तो अभी क्या हुआ, उसका क्या नतीजा है, क्या कंपनी बना, उसमें किसान का कोई हिस्सादारी हुआ, किसान का इनकम बढ़ाने में कोई फायदा हुआ, ये सब कोई बात नहीं है। किसान का परफॉर्मेंस क्या था, जो पिछले बार अनाउंस किया था उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ नया घोषणा है। ये लोग कोई भी परफॉर्मेंस में बिलीव नहीं करता, घोषणा में बिलीव करता है। इसलिए मैं बोला इस बजट में बजट कम है और भाषण ज़्यादा है, ये हमारा इसलिए ये हमारा मूल्यांकन है। बातें ज्यादा काम कम, जी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। 16 पॉइंट जी, 16 पॉइंट जी, हमने कहा कि अभी आपसे और बात करेंगे, बातें ज्यादा काम कम, ये बात आ रही है। 16 पॉइंट जो अच्छा जी, प्रोफेसर अग्रवाल आपका जो आशावाद है, आपने देखा इधर प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, सबका कहना है कि इसमें हमें कोई कॉन्क्रीट नज़र नहीं आ रहा है, कोई डिमांड साइट में किसी तरह का विकास हम नहीं देख रहे हैं और इस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है, आप क्या कहेंगे संक्षेप? मेरे विचार से ये कहना ठीक नहीं है। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल कैलकुलेशंस के इंस्टीट्यूट में और मेरे बजट नाम के प्रोग्राम में एक घंटे के लिए एक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल ने इसको प्रेजेंट किया राज्यसभा टीवी के ऊपर। हमारी कैलकुलेशंस जो हमने की, ये बजट बिल्कुल ठीक 5% की वेरिएशन के साथ पूरी तरीके से इनकम्स में, रसीट्स में, कैपिटल रसीट्स में, टोटल एक्सपेंडिचर्स में, फिस्कल डेफिसिट में, रेवेन्यू डेफिसिट में, इन एक्सपेंडिचर्स में मैच कर रहा है। जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, देश की क्या एस्पिरेशंस हैं, देश की क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को ध्यान रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। मेरे विचार से ये बजट बिल्कुल अगले फॉर्मल 11% के करीब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जी इंक्रीज करेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कम हो गई है 0.6% लास्ट ईयर, इसको 5% से 6% तक ले जाने, यानी आपने जो प्रेजेंटेशन देखा या किया आपके इंस्टीट्यूट ने, उसमें आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त, सर आंकड़े सरकार के पास बिल्कुल दुरुस्त है और आंकड़े पर मेरा ख्याल है कि इस सरकार पर वो जब चाहती जैसे आंकड़े ले आती है। आंकड़े जरूर सरकार के पास है, मेरे पास ये कैलकुलेशन, मैं मान रहा हूं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों में आप इस सरकार को नहीं पकड़ सकते। जब वो चाहती है तो जीडीपी भी वो बढ़ जाती है, आप लोग तो कहते हैं कि 2% भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि 7%, फिर हालांकि अब 5 मान लिया उन्होंने, 5 मान लिया। आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, सर अव्वल है सरकार। हाँ बिल्कुल अव्वल सरकार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए जो है, मतलब ठीक है अग्रवाल साहब के आंकड़े अपने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सरकार के आंकड़े लेके देख रहे हैं, उन्होंने जरूर उस पर काम किया होगा, हम भी आंकड़ों पर काम करते हैं जी, सरकारी आंकड़ों को लेके ही उस पर काम करते हैं जी। जेएनयू से हम कोई आंकड़ा नहीं उसका सृजन कर रहे हैं, तो अगर इन सबको देखें तो बहुत सारी चीजें जो वो एक अपने आप में बहुत व्यापक विषय हो जाएगा जी, कि क्या एक्चुअली जो है, जैसे जीडीपी की बात हो रही है कि उसका रेट क्या होगा या जो बाकी और जो अलग अलग किस्म में आप देखिएगा, गैप्स इतने होते हैं। मैं हर सेक्टर में आपको बता दूंगा,
एलोकेशन कर जो है एक्स कहा गया है, जो फाइनल जो उस पर जो है रिवाइज एस्टिमेट होता है उसका 60% होता है, 75% होता है, कभी बहुत हुआ तो 90% हो जाएगा। बहुत बिरले ही कोई ऐसा साल होता है जिसमें कि उससे मिलता है या उससे थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो उन उस पर तो एक अलग चर्चा हम कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी एक पूरा जिसको कहे ना शुतुरमुर्गी अप्रोच है जी, समस्या क्या है आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं। समस्या एक बहुत गहरी समस्या है आपको ग्रामीण भारत में छोटे उद्योगों में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो इंटरवेंशन क्या है, आपके सबसे मजलूम लोग कौन है। अग्रवाल साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि NSAP जो होता है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नरेगा जो होता है, ये हिंदुस्तान के सबसे मजलूम लोगों के लिए होता है। क्या हुआ है, रिवाइज एस्टिमेट देख लीजिए इसी सरकार का, JNU का आंकड़ा नहीं है ये, और इन दोनों में आप देखिए एक में घटौती हुई है रिवाइज एस्टिमेट से, जो अभी एलोकेशन है वो और नीचे जाएगा बाद में, 9,200 से 9,197 हो गया सोशल असिस्टेंस में, नरेगा में जो रीढ़ की हड्डी बहुत लोगों के लिए है 71,002 से घट के करोड़ से वो घट के 61,500 करोड़ हो गया है। इसमें अगर हम पेंडिंग वेजेस मिला दें जी तो स्थिति और विकराल हो जाएगी, ठीक है। तो अग्रवाल साहब इन चीजों को देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक प्रश्न पूछा, इन चीजों को देखेंगे, समस्या कहाँ है और क्यों है जी। नहीं, मैं आपको एक एजुकेशन सेक्टर से एग्जाम्पल देता हूँ। सरकार कहती है 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करेगी, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी स्किल डेवलपमेंट, 3,000। अब ये खर्च होगा एक तरीके से, लेकिन एक रेगुलेटरी एजेंसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, पिछले 4 साल में उन्होंने 10 लाख सीटें कॉलेजेस में खत्म कर दी, 40 लाख सीटों से 30 लाख सीटें कर दी, बहुत सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, फिक्टिशियस फॉल्स फैब्रिकेटेड ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये मामला बार बार सरकार के नजर में आ रहा है, नीति आयोग की नजर में आ रहा है। अरे आपका काम स्टैट्यूटरी बॉडी होने के लिए प्रमोट करना है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो हजार कॉलेजेस ने लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो सब बेकार हो गए, कंप्यूटर में बेकार हो गए, उन कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में अगर टीचर, प्रोफेसर अग्रवाल, अगर उन कॉलेजेस में इंप्लीमेंटेशन की, नहीं नहीं प्रोफेसर अग्रवाल, अगर उन कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक मिनट, अगर उन कॉलेजेस में हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि कई टीचर कई कॉलेजेस में उनके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देने से काम नहीं चलेगा, अगर वहां पे क्वालिटी टीचर नहीं है, अगर वहां पे लैबोरेटरीज नहीं है, अगर वहां बिल्डिंग नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ा फ्रॉड है। पूर्णिमा जी, पूरा आप, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि किसी भी बजट का अल्टीमेट टेस्ट क्या होता है कि लोगों में उसको देखने के बाद एक फील गुड फैक्टर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस बजट से आप ही लोग बताएं क्या फील गुड फैक्टर फील हो रहा है हमें, नहीं हो रहा है। इनफैक्ट चिंता की बातें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। अब LIC में जैसे मार्केट एक्सपोजर में उसको डालने की बात हो रही है, LIC जो मिडिल क्लास बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया का, जो अपने पैसे उसमें रखता है और उसको बहुत ओल्ड एज के लिए अपने एक सिक्योरिटी के रूप में ट्रीट करता है, उसको आप IPO उसका इशू करने जा रहे हैं, वो मार्केट से एक्सपोज हो जाएगा, कल को वो पैसा डूब जाएगा, जो हो सकता है UTI में हमने पिछले सालों में देखा है, वो पैसा जब डूब जाएगा तो सरकार तो कह देगी कि ये तो मार्केट के नियम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक आम जो सिटीजन होता है उसके मन में डर पैदा होता है। बैंक इंश्योरेंस इन्होंने जो डिपॉजिट गारंटी बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख की है, वो तो पीनट्स है। 1 लाख भाई बैंक में जो आदमी पैसे रखता है, जब बैंक डूब जाते हैं तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हम तो उस पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो फील गुड फैक्टर होता है वो ऐसी एक चीज भी नहीं है जिसकी की वजह से लोगों में सरकार के प्रति एक भरोसा और एक बहुत आनंद की अनुभूति हो। तो कम से कम सरकार की विशेषज्ञता भी कहीं ना कहीं इस समय उसकी साख भी दांव पर लगी हुई है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, एक बहुत ही अजीब बात आई कि इस बार बजट में और जो खास तौर पर आर्थिक सर्वे आया उसमें बहुत से आंकड़े हैं जिनका सोर्स विकिपीडिया बताया गया है। क्या सचमुच सरकार की गंभीरता इसको लेकर बहुत कम हो गई है या उसे लगता है कि बस ऐसे ही चलता है, क्योंकि 6 साल हो गए, अब रिजल्ट देना पड़ेगा, और जो इस समय हालत है, चाहे बेरोजगारी का हो हाल, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, आप विकिपीडिया पे जाके उसको अपना सोर्स मान रहे हैं, कहां तक ये जायज है और इससे क्या संकेत निकल रहा है? नहीं, ये अद्भुत स्थिति है। खुद वित्त मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, जैसे कि उन्होंने गरीबी के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए, गरीबी कम हो गई है, ये आंकड़े वित्त मंत्री जी ने किस आधार पर प्रस्तुत किए,
कौन सा उसका स्रोत था, क्योंकि गरीबी के आंकड़ों का स्रोत होता है उपभोग सर्वे, और उपभोग के पूरे सर्वेक्षण को 2017-18 का जो सर्वेक्षण है उसको सरकार ने पूरी तरह से दबा दिया है। तो सरकार की अद्भुत स्थिति इस समय है, वो किसी भी क्षेत्र में आंकड़ों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाह रही है, उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है और उनको छापती चली जा रही है। मतलब हमें या तो हम स्वीकार करें कि वो कौन से आंकड़े हैं, और जो भी सरकार आंकड़े दे रही है, EPFO में आंकड़े दे रही है, ESIC में आंकड़े दे रही है, हम लोग रिसर्च करते हैं लेकिन वो आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं है। अगर उन्हीं आंकड़ों को लेके हम शोध करना चाहें और हम देखना चाहें कि उनकी प्रामाणिकता क्या है, तो हम उनको नहीं देख सकते हैं। हमें जो सरकार द्वारा जो फिगर्स दी गई हैं उन्हें मानना है, और सरकार आंकड़ों को देना नहीं चाह रही है। तो ये एक अद्भुत स्थिति है जहाँ खुद सरकार के सर्वेक्षण बहुत ही जो संदिग्ध स्रोत हैं उनको अपना उन पर आधारित करके आप नीतियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए नीतियां बन नहीं पा रही हैं और इसीलिए नीतियां गलत बन रही हैं। इसीलिए शायद जो स्टैटिस्टिकल सर्वे से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया, अलग हो गए। बहुत से विशेषज्ञ सरकार से, प्रोफेसर झा, लगातार अलग होते जाते हैं जो इनके द्वारा चुने गए थे, चाहे वो आर्थिक सलाहकार रहे हों चाहे इस तरह के लोग रहे हों। आखिर सरकार विशेषज्ञ लोगों के साथ काम करने में असहज क्यों महसूस करती है? उसका एक कारण ये है कि वो उनको जो है, जो भी विशेषज्ञ जो लाते हैं, एक तो एक शायद इस पे एक विवाद हो सकता है, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि अधिकतर जो काबिल और जो एक्सपर्ट्स ऐसे जिनकी एक अच्छी साख है, वो हिचकते रहे सरकार के साथ काम करने में। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे। जो आते भी हैं उनकी भी स्थिति ऐसी कर दी जाती है। आपने देखा अरिजीत पटेल के साथ क्या हुआ, आपने देखा रघुराम राजन जी के साथ क्या हुआ, ये ऐसे लोग हैं। अरविंद सुब्रमण्यम अरविंद चले गए, जो बहुत ही प्रिय थे जी जी जी, इनके जो बहुत सारे प्रिय पात्र थे वो भी छोड़ के चले गए। तो उसका ये कारण है कि जो इनके साथ आते भी उनके लिए भी स्थिति ऐसी असहज कर दी जाती है। इतनी समस्याएं, आप RBI को जो है डिमोनिटाइजेशन वाले अपने प्रयोग में, जो एक मतलब कहिए कि एक भूचाल से मिलता जुलता प्रयोग था, आपने पूरी धरती हिला के रख दी, उसमें अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, उसमें जो है आपने उनको चर्चा में शामिल तक नहीं रखा। आपके जो चोजन गवर्नर हैं या पहले से थे उनको कंटिन्यू किया गया था, उसके बाद जिनको आप लाए उनके साथ भी इसी तरीके का, तो एक जो पूरा माहौल बना दिया जाता है जिसमें कि ये है कि साहब जो हम कह रहे हैं वो सब सच है, कहीं चर्चा के लिए कहीं कोई जो एक स्पेस कहेंगे आप वो उसकी संभावना ही नहीं है, तो इसलिए एक इस तरह की स्थिति बनती है मेरी समझ से। प्रोफेसर अग्रवाल, एक संक्षेप में टिप्पणी आपसे इस पर भी चाहेंगे। अब LIC भी बेचेगी सरकार, क्या बेचने के अलावा फिलहाल सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि LIC बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ के आम लोगों के से जुड़ी हुई है और उसके उसको लेकर एक साख थी लोगों के मन में, जैसा पूर्णिमा जी कह रही थी। अब जैसे एयर इंडिया बेचने की बात है, अब LIC पर इस तरह से उस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई, एक लाइन में कह दिया हम बेचेंगे, रेलवे का भी जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, जब भी सरकार ये देखती है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं और उसको ये देखना है कि किस तरीके से पैसे को जुटाया जाए खर्चा करने के लिए उन मुद्दों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ऐसे समय में कब तक एक सरकार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर लॉसेस को मेकअप करती रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। जरूरी बात है या तो उसके एम्प्लॉयज़ या उसका मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव करे, उसको प्रॉफिटेबल बनाए। ऐसा क्यों होता है कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज जो एयरलाइंस रन कर रही है, रोडवेज रन कर रही है या और कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रही है, वो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज वो लॉस मेकिंग है। झा साहब, आपकी बात आ गई, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक जो बहुत जरूरी टिप्पणी है, ऐसा तर्क है जो बहुत कॉमनली दिया जाता है। बहुत दो छोटे अगर वो लॉस मेकिंग है तो किस स्थिति में, किन कारणों से लॉस मेकिंग, सरकार ही चला रही है जो सरकार है, और उसको जो है अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा सरकार से, सरकारी कंपनियों की तुलना में ज्यादा लॉसेस करती हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखें NPS की जो स्थिति है, अगर उसको आप उसमें इंक्लूड कर लें, तो जितने सारे आपके बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो रेड में हैं। तो
उसको आपको समग्रता में देखना होगा। जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि लॉसेस में कितने दिन तक चलाएंगे, अभी कल ही हमारा एयर इंडिया का विमान लेके आया है वुहान से फंसे हुए भारतीयों को, कल को ये बेच दे तो क्या ये इंडिगो से या एयर एशिया से उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहां फंसे हुए भारतीयों को लेके आएगा? तो सरकार अपने हाथ से सारा कुछ एक प्राइवेट हाथ में दे देना चाहती है, और फिर जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो सरकार किसके पास जाएगी? बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर सवाल है। हनन मुल्ला जी को भी यहाँ लेते हैं, क्योंकि LIC और इस तरह के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर लगातार विरोध की आवाज हनन मुल्ला और उनकी पार्टी उठाती रही है। हनन मुल्ला जी, LIC को अब सीधे सीधे बेचने की बात हो रही है, उसके लिए सरकार IPO लाएगी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब है हमारे साथ जो कह रहे हैं भाई सरकार क्यों चलाए घाटे की चीजों को, पैसा चाहिए, पैसा आएगा इससे तो और काम करेंगे हम। मैं बताना चाहता हूँ, LIC घाटे में चला कभी? इंडियन ऑयल्स ऑयल कंपनीज घाटे में चला कभी? तो जो जितना हमारा लाभकारी संस्थाएं हैं उसको बेचा जा रहा है, नुकसान वाला कौन खरीद करेगा? वो लाभकारी को बेच के सरकार का जो LIC क्या करता था, करोड़ों रुपया, लाख, 1,00,000 करोड़ रुपया वो सरकार को विकास के लिए देता था। कोई प्राइवेट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सरकार को 1,00,000 करोड़ हर साल में देंगे विकास में खर्चा करने के लिए? तो ये जो हमारा खर्चा का जो आय का साधन था, ये साधन को बेच के ये कैसे आगे बढ़ने का काम कर रहा है? इसलिए ये बात सही नहीं है। ये बेचना एक फिलोसॉफी है, ये वर्ल्ड बैंक और वो जो विश्व बैंक का जो प्रेस्क्रिप्शन है, वो विश्व बैंक के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक सब बेच दो, सब प्राइवेट को दे दो, और देश के बाकी चीज में फिर आम जनता के लिए पूरा गुलामी फिर दोबारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये नियो लिबरलिज्म इज नियो इंपीरियलिज्म है, यानी सीधे एक सैद्धांतिक उपनिवेशवाद खड़ा करेगा। प्रश्न है जो हनन मुल्ला और उनकी पार्टी के हिसाब से ये नव उपनिवेशवाद है। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, LIC इस देश के आम लोगों के साथ बहुत बड़ा रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता भी रखती रही, और लोगों को उसके इस नारे या विज्ञापन पर भरोसा भी रहा है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, उसको अब बेचा जाएगा, ये कैसा संकेत है आपके हिसाब से? देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि LIC का पैसा सरकार बहुत सारे और उपक्रमों में LIC को मजबूर करती रही है लगाने में, बहुत सारे ऐसे उपक्रम जो कि घाटा उठा रहे थे, और सरकार अपना पैसा लगाने के बजाय या कोई और साधन के बजाय LIC का पैसा उसमें लगा रही थी, उसके माध्यम से भी आम लोगों का नुकसान हो रहा था, और अब सरकार जो उसके ही जो शेयर्स हैं उनको वो अब सार्वजनिक करने का प्रयास कर रही है। कुल मिला के सरकार जो सरकारी उपक्रम है और इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको एक कैश काउ की तरह इस्तेमाल करने का जो सरकार की मंशा रही है और सरकार जिस तरह से उनको इस्तेमाल करती रही है, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होता है तब तक ये सरकारी उपक्रम जिस तरह से इनको काम करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार का जो निर्णय हुआ है LIC को बेचने का, LIC में डिसइन्वेस्ट करने का, उसमें उसके प्रति सार्वजनिक प्रक्रिया ऋणात्मक होगी और सरकार को इस निर्णय को एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। प्रोफेसर झा, UTI का अनुभव है हमारे सामने और LIC बहुत हर घर को प्रभावित करने वाला मसला है, और जैसा अग्रवाल साहब कह रहे थे ये उससे उलट है, घाटे में उस तरह का रहा नहीं है कभी, इसके बावजूद इतना बड़ा एक फैसला लिया जा रहा है जिस पर कोई बहुत चर्चा नहीं हुई, बजट में भी एक आध लाइन में ही निपटाया गया। जी, कारण ये है कि इनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि हम पैसा कहाँ से जो है अर्जित करें। जी, अब इसके लिए अब देखिए, आप अगर एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की बात करें, वो अगर बहुत ही मुश्किल में जाता है तो अपना एसेट्स बेचना शुरू करता है। यहाँ तो वैसी कोई आपके पास स्थिति भी नहीं है, लेकिन आप उस एसेट को जिसको 70 वर्षों में इतनी मुश्किल से बनाया गया है अपना एसेट मानते ही नहीं, उसको आप एक, जैसा प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि कैश काउ के तौर पर आप ट्रीट करना चाहते हैं, इतना गलत है ये। जहां तहां जहां से हुआ पैसा झपटने की कोशिश, आपने देखा RBI के साथ क्या किया गया, जितनी राशि उनसे ली गई ये अनप्रेसिडेंटेड था हिंदुस्तान का जो इतिहास अगर आप देखेंगे, रिजर्व बैंक से जो इतना ज्यादा डिविडेंड जो लिया गया, तो ये सब क्यों हो रहा है? बेसिकली आप जो है जो एक
उचित रास्ते हो सकते हैं जहां से रिसोर्सेज आपको रेस करना चाहिए वो आप नहीं करेंगे। आप औने पौने जो भी बेच सकते हैं, जो एक सार्वजनिक संपत्ति है, जिसमें कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ जो वर्तमान सरकार है वो उस संपत्ति का मालिकाना हक रखती है, ये समाज उसका एक समाज ने निर्मित किया है। अगर आपको ये करना भी है आप ले जाएं, इस पर बहस करें, आप पार्लियामेंट में बहस करें, तमाम जगहों पर चर्चा करें, एक रेफरेंडम कराएं इस पर, तो तब मैं कहूंगा ठीक है। भारत की जो सामान्य मनोवैज्ञानिक समझ है वो तो ये कहती है कि पुरखों की संपत्ति बेचने वाले बेटे